हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि भाषा है क्या। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मुझे जो आपको समझाना है मैं कैसे समझा रही हूँ, बोल रही हूँ ना। तो ये हो गई, यहाँ पे मैं अपने मन के भाव आपको बोल के बता रही हूँ, बोल रही हूँ ना कि भाषा किसे कहते हैं। और मैंने यहाँ पे पहले से इसको राइट करके रखा है। तो एक तो मैं अपने मन के मेरे अंदर जो भाव है, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, वो बोल रही हूँ। तो ये हो गई बोलना, भाषा को बोलना एक तो ये साधन हो गया। और दूसरा साधन क्या है भाषा का, लिखकर, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, पहला बोलकर जो मैं आपको बोल के पढ़ा रही हूँ, और दूसरा मैंने राइट करके रखा है। ठीक है, तो बस इसे ही भाषा कहते हैं। मन के भाव को बोलकर और लिखकर समझाने का, पहुंचाने का, एक दूसरे तक पहुंचाने का या समझाने का जो साधन होता है उसे भाषा कहते हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मन के भाव बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया भाषा किसे कहते हैं। भाषा में हम या तो अपने मन के भाव दूसरे को बोलकर बता सकते हैं या लिखकर। ठीक है, भाषा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी? मौखिक भाषा, जो हम बोल के बताते हैं, जो मैं अभी आपको आपके लिए बोल रही हूँ, और लिखित भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा। अब आइए हम डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब भी हम अपने विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो इस प्रकार की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मुख से बोल रही हूँ ना, तो इस भाषा को मौखिक भाषा कहेंगे। ठीक है, जैसे कि कक्षा में टीचर्स का पढ़ाना, और फिर डायरी लिखना, कक्षा में टीचर्स का पढ़ाना, फिर भाषण देना, गाना गाना, ये सब क्या है, मौखिक भाषा है। वहां पे क्या करते हैं कि अपने मन के विचार आपको बोलकर बताए जाते हैं, तो वो है मौखिक भाषा। ठीक है, और लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा, जब भी हम अपने मन के विचारों को लिखकर बताते हैं किसी को, लिखकर बताते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जब भी हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो भी विचार है, जो भी डेफिनेशन है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ना, तो इस प्रकार की भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, और लिखित भाषा के आपके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे कि हम किसी, अगर आप, अभी तो ऐसा नहीं होता, पहले जैसे लोग बहुत ज्यादा दूर रहते थे तो पत्र लिखा करते थे अपने मन के विचार दूसरों को बताने के लिए। ठीक है, तो वो हो गई, वहां पे क्या कर रहे हैं कि अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाने का जो साधन था वो क्या था, पत्र था। तो पत्र लिखना ये एक लिखित भाषा का साधन है। ठीक है, दूसरा क्या है, पत्र लिखना, फिर कुछ लोग डायरिया लिखा करते हैं, डायरी लिखना और कविता लिखना, ये सब एग्जाम्पल है लिखित भाषा के। तो इस प्रकार की भाषा को लिखित भाषा कहते हैं, जहां हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखित रूप में दें, उनको लिखित लिख कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार की भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। सो नाउ क्लियर स्टूडेंट्स, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद होते हैं। ओके, आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, सो बाय स्टूडेंट्स।